लास्ट टाइम हमने देखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते क्या है, तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया राइट। अब इसका हम देखते हैं, इन डेप्थ जाते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के कितने पार्ट्स होते हैं, कि दो पार्ट्स होते हैं, कौन से, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नाम अपने आप में सजेस्ट करता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ये ऑल्टरनेटिव है या उल्टा है किसका, नल हाइपोथेसिस का। तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओल्ड सिस्टम है बिना किसी चेंज के, तो वो हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है कि पुराने सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कुछ चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं नेगेटिव हुए हैं ये टेस्ट हमको बताएंगे, ये स्टेटिस्टिक्स हमको बताएगा, बट कुछ चेंज हुए हैं। सो हमारे पास, हमारा एम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में होता है टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब कि जो पुरानी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ नया आया है। तो ये होता है हमारे दो टाइप के हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के ही पार्ट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर व्हीट का पैकेजिंग करके उसको सेल करता है और उसका जो एवरेज पैकेज है 60 केजीज होना चाहिए, और उसको चेक करना है कि अगर वो पैकेजिंग में है कोई एरर है 60 केजीज के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब उसको चेक करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि ओल्ड सिस्टम में एग्जिस्ट, राइट। ओल्ड सिस्टम क्या होगी कि भाई 60 केजीज का लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, बैग्स बन रही हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि 60 केजीज का एवरेज नहीं है। हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि 60 केजीज का एवरेज पैकेजिंग नहीं है, कुछ गलती है, या इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, राइट। तो ये तो पूरा जो दो मैंने लास्ट दो पॉइंट हैं, ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। इसको मैं स्टैटिस्टिकल या तो सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखूंगा, उसको मैं लिखता हूँ H0। H0 क्या इंडिकेट करता है, नल हाइपोथेसिस, राइट। जीरो इंडिकेट्स नल हाइपोथेसिस, क्या है, म्यू इक्वल्स टू 60 केजीज। क्या था हमारा ओल्ड सिस्टम कि एवरेज पैकेजिंग कितना है 60 केजीज का, तो वो मेरा हो गया नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव क्या होता है, इट इज़ नॉट 60 केजीज, विच इज़ नॉट इक्वल टू 60 केजीज। अब ये एक एग्जाम्पल है, जब मैंने लिखा कि म्यू इक्वल्स टू 60 केजीज, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर था उसको ऐसा लगा कि एवरेज पैकेजिंग 60 केजीज का होना चाहिए। उसने ऐसा नहीं बोला ग्रेटर देन 60 केजीज या लेस देन 60 केजीज, ऐसा नहीं बोला। अगर उसने बोला होता कि एवरेज इज ग्रेटर देन 60 केजीज, तो मेरा एच नॉट क्या हो जाता या एच जीरो क्या हो जाता, म्यू इज ग्रेटर देन 60 केजीज, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बता रहा है उसके बेस पे हमको हाइपोथेसिस लिखने हैं। तो अब आते हैं टू टेल टेस्ट एंड वन टेल टेस्ट। तो जब टू टेल टेस्ट होते हैं तब हम इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू की साइन यूज करते हैं। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लॉट बताया था कि जो बेल शेप्ड होता है, तो अगर मेरा रिजेक्शन रीजन दोनों पार्ट्स में है, राइट हैंड साइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं उसको बोलता हूँ टू टेल टेस्ट। क्या बोलता हूँ, टू टेल टेस्ट। और वन टेल टेस्ट किसको बोलूँगा कि जहाँ पर जो डायरेक्शनल होगा, सिर्फ एक ही साइड पर रिजेक्शन रीजन होगा। और जैसे मैंने इसके पहले के एग्जांपल में, फ्लोर वाले एग्जांपल में, व्हीट वाले एग्जांपल में आपको बताया कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरर का ये अंदाज़ा था कि इट हैज़ टू बी 60 केजेस, तो वो इक्वल्स टू आ गया, तो वो टू टेल टेस्ट होगा। अगर वो कहता, अगर उसका ऐसा मानना होता इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 60 केजेस, तो वो हो जाता वन टेल टेस्ट, साइन चेंज हो जाती, राइट। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि वन टेल टेस्ट शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन द रिसर्चर नोज फॉर सर्टन, मतलब उसको मालूम है दैट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर उसको मालूम है ग्रेटर देन 60 होगा, तो वो ऐसा नहीं सपोज यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब रिजेक्शन एंड नॉन रिजेक्शन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब ये प्लॉट देख रहे हो, राइट। अब ये प्लॉट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये उस एग्जांपल के लिए हैं कि जहाँ पे म्यू जो 40 ounces था, म्यू क्या था 40 ounces। अब ये 40 ounces जब म्यू था,
तो ये मेरा पीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मीन बीच में होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जाओ तो आपको एक क्रिटिकल वैल्यू दिखेगी, राइट हैंड साइड पर जाओ तो भी क्रिटिकल वैल्यू दिखेगी, और ये शेडेड एरिया दिखेगा जिसको हम रिजेक्शन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रीजन। तो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू क्या बोलते हैं? अगर आपको क्रिटिकल वैल्यू समझना है तो आपको उस थ्रेशोल्ड वैल्यू समझ सकते हो। क्या वो समझ सकते हो? थ्रेशोल्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि मेरा म्यू 40 ounces है और अगर मेरी क्रिटिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 ounces है एंड 70 ounces है, तो 10 ounces ही आएगा राइट, और 70 ounces ही आएगा। तो इसके बीच में, सो वॉट एवर माई म्यू आफ्टर टेस्टिंग कम्स टू बी बिटवीन 10 ounces to 70 ounces, तो मैं null hypothesis reject नहीं करूँगा। Why? Because it lies in a non-rejection region. आप ये देख सकते हो critical value से right hand, इस left hand side पे जो critical value है इसके right hand side, और right hand side पे जो critical value इसके left hand side, उसको हम बोलते हैं हम non-rejection region। यहाँ पे कोई भी value lie करेगी हम null hypothesis reject नहीं करेंगे। इसके अलावा null hypothesis reject हो जाएगा और हम जिसको बोलते हैं rejection region। ये था हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, और नेक्स्ट चैप्टर होगा एरर्स इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस।